तो गाइस अभी अनुज भी थक गया, मैं भी थक गया। अब काजल चलिए, कुदाल चला। तो गाइस अभी अनुज काट रहा है, मैं हाँ। हेलो फ्रेंड, मैं काजल और आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कपल एड ब्लॉग में। दोस्तों अभी अभी सुबह का टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मानसिक पापा देखो हम बोले हैं पानी मारने के लिए, तो पानी मारने के डर से झाड़ू लगा रहे हैं, बोल रहे हैं गर्दा तुम बूढ़ा है, मैं ऐसे ही मार के दिखा देता हूँ। और अभी हम लोग सुबह 4 बजे उठ के बहुत ज़्यादा काम करके थक गए हैं, इसलिए इनसे पानी नहीं आ रहा है, तो यही झाड़ू मार रहे हैं। बोले हमसे बिना पानी मारे झाड़ू नहीं मारा जाएगा, इतना सारा काम किया, पूरा थकावट हो गया एकदम 4 बजे से। और आप सब हमारे ब्लॉग पर बने रहिएगा और हमें ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा, प्यार कीजिएगा, और चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी झाड़ू लग गया है, और आजकल ना वीडियो थोड़ा बहुत हमारा आप लोग देख नहीं रहे हैं, पता ना क्या हुआ है, तो अगर कोई गलती हुई हो तो छोटा भाई छोटा बहन समझ के माफ़ कीजिएगा, एंड वीडियो को देखा कीजिए। और आप लोग बताना कैसा आप लोगों को वीडियो चाहिए, और हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, वो चीज़ आप लोग बताना, क्योंकि हम तो भटक ही गए हैं, डिप्रेशन हो गया है मेरे को, रात रात को नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज डाउन हो गया है और काम भी बहुत ज़्यादा, और काम का प्रेशर इतना है ना कि मैं आप लोगों से कैसे बयां करूँ समझ नहीं आ रहा। उसके बावजूद भी आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं, तो समझा कीजिए थोड़ा सा। एंड आप लोग अपनी राय तो ज़रूर दीजिए कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ये चीज़ बनाओ, जो भी है, ठीक है। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी हमारा चाय बन रहा है, और बाकी फ्रेंड रात में हमारा खाना जो बना था देख लो, तो खाली रोटी पकाए थे ये रहा, और सब्जी कुछ था भी नहीं, कुछ आइडिया भी हमको नहीं आ रहा था क्या बनाए, खाली अंडा था 4, तो सोचे भूज देते, तो मानसिक पापा बोले रहने दो कभी कभी बनाने के लिए। तो अभी चाय से और रोटी भी खाएंगे, और आम जो कल खरीद के लाए थे उसको भी खाएंगे, आम रोटी चाय। तो आप लोग हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो गाइस देखो कैसे मानसी और काजल आम के लिए मारपीट किए हैं। मानसी डक है, कितना डक है बताओ, कितना है, कितना डक है, ये गिल गया, हाँ गिल गया। हम लोग कल मार्केट गए थे ना, तो आम लेके आई थी काजल, तो अभी आम आम के साथ चाय। मम्मी क्या बेटा, मैंगो रोटी बचा हुआ है ना, मानसी के पापा भी यही खाएंगे, मैंगो है, मैंगो है, मैं अभी नहीं खाऊंगा। तो गाइस मैंने बोला ये चाय मैं ले लूं, तो क्या कह रही है कि हम खाए बैठ गल पर नहीं जाए, ले ली हमें से ढार के, ऐसा बात कर रही जैसे मैं जबरदस्ती ले रहा हूँ ये चाय। तो गाइस अभी हमारा खाना बन चुका है, बाकी आलू का भुजी और ये क्या बोलते हैं चावल। तो गाइस अभी इतना सारा बैठा दिया हूँ मिट्टी, और काजल का ना थोड़ा सा सर में दर्द था, इस वजह से थोड़ा वो रेस्ट कर रही है, अभी वो भी थी यहीं पे, हम लोग सूट नहीं कर पाए, और अभी थोड़ा सा उसको टैबलेट दिया हूँ एक सर दर्द का, अभी सही हो जाएगी फिर आएगी। तो चलिए बहुत ज़्यादा काम हो गया, पहले मुँह हाथ धो खाना खाते हैं, वैसे भी 10 बज चुका है, और देखते हैं काजल का सर दर्द सही हुआ कि नहीं। तो गाइस अभी लेटी है, आराम हो गए, अरे 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 बोपरी बोपरी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, सुबह 4 बजे भोर से ही मेरे साथ लगी हुई है। फिर पैर हाथ धो लेते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं, फिर और काम करेंगे आगे के। सो गाइस अभी शाम का करीब 4 बज रहा है, और मैंने नहा लिया है, नहा धो के फ्रेश काम करके थक चुका था, बाकी अभी फिर से काम करना है। एंड काजल देखो, काजल भी सुबह नहाई थी, काम कर रही थी तो 9 बजे सो गई थी, फिर 10 बजे उठ के नहा धो, और अभी बकरी का बच्चा खिला रही है, वो भी मानसी उससे मांग रही है, देखो मानसी ले जा रही है। जब अनुज काजल लेके आया है, काजल आओ काजल कहाँ गलू, लाओ तो थैंक यू। तो गाइस अभी काजल खाएगी खाचा, लो कहिया कहा जी, अब तक कहाँ ना अनु। तो फ्रेंड देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं अपना काम करने के लिए, अब अपने काम पर लग जाएंगे, है ना, और ये खाजा लेके लोग खा रहे हैं, और काम इतना ज्यादा है कि हम लोग मतलब बौखला गए हैं कि क्या करके ना जैसे भाला लगे, सॉरी। तो पहले सोच रहे हैं बालू उठाए, देखो बालू का क्या गत हुआ है, गत बोल सकते हो थोड़ा सा, उसको टेम्प्रोरी हमको लेटरिन बनवाना है ना, तो इसलिए सोच रहे हैं, या फिर द्वार को क्लियर करें,
इधर इधर पूरा खाई खाई उधर हो गया ना, इसलिए फिर सोच रहे हैं कि इतना मतलब फिर सोच रहे हैं कि मिट्टी को क्या करें, कि मतलब मिट्टी को थोड़ा थोड़ा साइड साइड से रखें क्योंकि बारिश भी आने वाली है। और गा रहे हैं तो गाइस फाइनली हम लोग ना अभी ये चीज कर रहे हैं, इधर से ना मिट्टी इधर से काट के इधर फेंक रहे हैं। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I. So guys, अभी अनुज काट रहा है, मैं हाफ गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। अनुज बताना, थक जाओगे तो बताना। देखा कुदारी के रहते हुए बावजूद भी तो चलिए अभी फटाफट से फेंक लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हमारा ना उधर से दीवार होगा, वहां से बीच से दीवार हो जाएगा, और इधर का एरिया में एक गेट लगा देंगे यहाँ पे, इसलिए इधर साइड मिट्टी डाल रहे हैं ताकि ये तो ऊंचा करना ही है ना। सीट लगाएंगे तो पाइप निकाल के इधर टैंक में घुसा देंगे, है ना कजल? हाँ, तब तक रेडीमेड टॉयलेट हो जाएगा हमारा। शाम के समय में काजल क्या गोल गोल बना रही है बैठ के। कजल चलो जल्दी जल्दी फेंक लेते हैं, फिर उसके बाद से चलते हैं। तो उधर इधर से आजकल में बारिश आने ही वाला है यहाँ पे, और मौसम भी देखो कुछ ऐसा ही हुआ, हवा चल रहा है तेजी से ठंडा ठंडा, मेरे ख्याल से बारिश ना आ जाए तो यहाँ पे भी बना देंगे, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मिट्टी डाल देंगे ताकि इधर आने के लिए बेस्ट रहेगा, है ना। हाँ, ये टॉयलेट एक ही दो दिन में बन जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में, है ना। तुम्हारे ब्याह में, अच्छा बिहार में, हम सोचे तुम्हारे ब्याह में बोली तो यही थी हमारे ब्याह में शायद नहीं 100%। तो गाइस अभी अनुज भी थक गया, मैं भी थक गया, अब काजल चलिए कुदाल चला। अरे 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 ओ भाई, अरे 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 गोड़ों को मत गिरा लिया गाइस, मैं मना कर रहा था चलाने के लिए, जानबूझ के चला रही है। भरी ले जाएंगे उड़िया, उठते का दे हमसे भारी नहीं कोई कर दिया। एकता गाड़ी माटी तो तो गाइस काफी देर के बाद इतना सारा मिट्टी डाल दिए, काजल भी थक हार के बैठी है यहाँ पे, अनुज भी बैठ गया। तो फ्रेंड अभी आप लोग देख सकते हैं शाम हो गया और हम बर्तन वर्तन कुछ नहीं धुले हैं, झाड़ू नहीं लगाए हैं, दिन में बहुत सारा घर को मतलब भी मेंटेन किए हैं, तो बहुत सारा अभी घर का भी खाना बनाना काम है। तो सोच रहे थोड़ा सा देख दे, अब सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के ही फेंकेंगे, ठंडा में भी जितना काम हो जाए उतना सही रहेगा। उठो यार पैर दर्द कर, दिन भर गर्मी में दोस्तों काम नहीं हो पा रहा है, इतना ज्यादा धूप हो रहा है। ले चलो कुदारी उठा, अब चल रहे हैं घर। झाड़ू ले जल्दी से लगा देते हैं बाहर झाड़ू, तब पानी भी ले आ रहे हैं, रुको पहले झाड़ू ये लेके आओ। तो फ्रेंड देखो अभी मानसी सोई थी, सो के उठ गई है ना बेटा, और अभी हम हाथ पैर धो लिए, मानसी पापा पानी लेके चल रहे हैं द्वार पर, उसको पानी देके झाड़ू लगाएंगे क्योंकि बहुत गर्दा होता है ना, और गर्मी को संभाल ऐसे बनाए हैं। तो चलिए पानी देते हैं, हमको प्यास भी बहुत जोर से लगे, पानी भर के रखे, मानसी रो रही है, जा रहे हैं लाने। क्या बेटा चला अभी द्वार पे हम लोग वो पानी मार दिए, काजल झाड़ू लगा रही है। हमारा घर का कुछ नजारा जो कि ये आगे है ना, इसमें सीमेंट ढके हुए हैं तो इसका। सो गाइस अभी रात का 10 बज रहा है और हम लोग सोने जा रहे हैं, काजल देखो अभी मच्छरदानी ठोक रही है। तो फ्रेंड अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग
जा रहे हैं मानसी को इंजेक्शन दिलवाने, टीकाकरण हो रहा ना आज अपने गांव में। आप लोग देखने वाला ब्लॉग और ये वाला ब्लॉग आप लोगों ने अभी तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं उसके लिए भी हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप अगर नए हो तो, और हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देना। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।